हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने याद करिएगा केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट किया था। उसके हम लोग पिछले साल के जो जितने आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आ रहे थे उनको हम लोग सॉल्व करा रहे थे, और अभी हम लोगों ने लेक्चर वन ही किया था और अब आज हम लोग लेक्चर टू करेंगे। और याद करिए, लेक्चर वन में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कराए थे। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर टू में। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा और ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। फोर क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर वन में लगाए हैं और ये फिफ्थ नंबर आपके स्क्रीन पर है। देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन 50 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125 एम दिया हुआ, यानी मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इन वन सच डीकम्पोजिशन when the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of oxygen will be, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से चलिए आपको सॉल्व कराते हैं। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं और देखिए, H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो ये जाएगा H2O में और प्लस हाफ O2 में जाएगा। ठीक है भाई, ये डीकम्पोजिशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स आपके क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। वैसे भी डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, तो K इक्वल टू आप निकालेंगे 2.303 डिवाइड बाय T लॉग A डिवाइड बाय A माइनस X, और लॉग बाय 10 लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, A की वैल्यू जो इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आप चेक करिए, 0.5 दिया हुआ है। और 50 मिनट में कितना रह जाता है, ये a माइनस एक्स जो हो जाएगा, a माइनस एक्स जो है ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, 0.125 दिया हुआ, 0.125 करके आपको दिया, मोलर दिया हुआ है। तो देखिए, दोनों कंसंट्रेशन आपको दिए हुए हैं यहां पर और टाइम जरा बताइए कितना दिया हुआ है। टाइम आपको 50 मिनट यहां पर दिया हुआ है। अब ये आप फॉर्मूले में रख देंगे, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t की वैल्यू 50 मिनट, ये रख दिया लॉग, अब यहां पर रखा 0.5 डिवाइड बाय 0.125 हो गया। ये कैंसिल करेंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये कितनी बार जाएगा, 4, तो लॉग 4 हो गया यहां पर। और देखिए, k जो निकल गया आप यहां से निकाल दीजिएगा, k आप निकालेंगे तो 2.303 डिवाइड बाई यहां पर देखिए 50 मिनट्स, और लॉग 4 को आप क्या रख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 2, और देखिए लॉग m की पावर n क्या होता है, n log n, तो यहां पर आप 2 log 2 रख सकते हैं, रख दिया 2.303 डिवाइड बाई 50 और 2 into 0.3010। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लिएगा 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और देखिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए यहां पर आएगा मिनट की पावर माइनस 1, ये आ गया K। अब आपसे पूछा गया है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 मोलर, तब बताइएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या रह जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप चेक करें, यही रिएक्शन है, और अगर आप यहां रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो आप कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इक्वल इफ देयर कोएफिशिएंट आर रिवर्स। तो यहां पर देखिए क्या रखेंगे, रिएक्टेंट के लिए माइनस डी एच टू ओ टू डिवाइडेड बाई डी टी रखा, प्रोडक्ट के लिए बताइए यहां क्या रखेंगे, माइनस यहां पर डी प्लस रखेंगे, प्लस डी एच टू ओ टू, क्योंकि प्रोडक्ट लगातार बढ़ेगा और रिएक्टेंट कम होगा, तो इसलिए प्रोडक्ट में प्लस और रिएक्टेंट में माइनस रखते हैं। और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, जब देखिए हमने कहा था रेसिप्रोकल करते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर 1 था तो 1/1 हुआ, यहां पर 1 था 1/1 हुआ, यहां पर 1 डिवाइड बाय 1/2 होगा, इसका मतलब 2 डी ऑफ O2 डिवाइड बाय TT, ये केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताया भी होगा। अब देखिए, हम लोगों को पता क्या है, रेट कांस्टेंट यहां पर पता है, रेट कांस्टेंट जरा बताइएगा R इक्वल टू क्या होगा, K और H2O, रेट कांस्टेंट आपका देखिए k कितना है, 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये आया है भाई 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस 8 नहीं भाई, यहां माइनस 2 आएगा, तो यहां पर माइनस 2 है, गलती से यहां पर 8 लिख गया, तो माइनस 2 आएगा। और देखिए 2.78 और इंटू माइनस 2, और H2O का कंसंट्रेशन कितना हो जाए बताया गया था, जब H2O2 का कंसंट्रेशन यहां पर कितना हो जाए, 0.05, तो बताएगा यहां 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 1.386 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर कैलकुलेट नहीं कर रहे। और मोल और मिनट की पावर, वैसे तो पूरा जो यहां पर होगा मोल पर लीटर पर मिनट कहते हैं, यानी मोलर कह दें, मोल पर लीटर और पर लीटर भी यहां कह सकते हैं, पर लीटर और मिनट की पावर माइनस 1 होगा। अब देखिएगा यहां पर आप ये रख दीजिए आर रेट, आपको यहां पर पता है इसका रेट कितना है भाई, 1.386 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, और नेगेटिव साइन दिखा रही है कि डिक्रीमेंट है, तो बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। और आपको 2 यहां पर निकालना है, DO2 डिवाइड बाई DTI निकालना है। इसको चलिए यहां पर ऊपर कर देते हैं और देखिएगा DO2 डिवाइड बाय DT यानी रेट, आप देखिए पूछा भी गया था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 यहां पर निकल गया 1.386 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, 10 की पावर माइनस 3 है, और देखिएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 6.93 और इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये आ गया आपका यहां पर। अगर बताइएगा आप रेट निकाल रहे हैं तो मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। वैसे यहां पर देखिए ऑप्शन में जो चेक करिए, तो ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है पहला 2.66 लीटर मिनट की पावर माइनस वन STP, तो एक तरह से मोल पर लीटर ही वो दिया, मोलर दिया होगा, वहां पर मोल भी दे सकते हैं पर लीटर, यानी सबको ले रहे हैं। दूसरा 1.34 इंटू 10 पावर माइनस 2 दिया हुआ है। तीसरा 6.96 इंटू 10 पावर माइनस 2 दिया हुआ है। फोर देखिए 6.93 इंटू 10 पावर माइनस 4, एक तरह से यहां मोलर होगा, यानी मोल पर लीटर पर मिनट। हो सकता है इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी या सबको एक लीटर में मान लिया गया हो, इसलिए यहां पर निकल गया हो, तो ये डी नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए गलती से हम लोगों ने पहले 10 की पावर माइनस 8 लिखा था, इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। ये आप कैलकुलेट करके यहां पर देख लीजिएगा कितना आ जाएगा। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रेट कांस्टेंट निकाला। रेट कांस्टेंट से हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद हम लोगों ने यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया। जब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहां पर बोलते हैं और वो आपके स्क्रीन पर आएगा और इसको हम लोग इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखिएगा, देखिएगा, फॉर द नॉन स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन, फॉर द नॉन स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन 2A+B और गिव्स C+D। देखिए यहां पर दिया हुआ, इसका मतलब 2A+B और ये जाता है C+D में। द फॉलोइंग काइनेटिक डेटा वेयर ऑब्टेन इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट ऑल एट 298 केल्विन पर। और देखिए ये एक्सपेरिमेंटल डेटा यहां पर दिया हुआ है, सबका अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। और आपको बता दें इस तरह का क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इससे पहले भी हमने देखा था कि IIT में भी रिसेंटली इसके पहले लेक्चर में भी इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन कराया था। और यहाँ पर जो टेबल दी हुई है वो आपको हम बना देते हैं, आपके क्वेश्चन में तो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, लेकिन चलिए अब वहां से क्वेश्चन हटाते हैं और ये आपका जो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है ये हम बना देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा जल्दी से यहाँ पर बनाते हैं और देखिएगा ये यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और फिर बताएगा दूसरे का इनिशियल कंसंट्रेशन उसका रेट। पहले जो सबसे पहले दिया हुआ है ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फिर आपका बी का दिया हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन, और उसके बाद रेट दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगा और देखिए रिएक्शन क्या है, आपकी रिएक्शन यहां पर 2A+B और ये किसमें जा रहा है, C+D में जा रहा है। और देखिए ये 0.1 दिया हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, सेकंड में भी ये 0.1 और थर्ड में भी 0.2 m, सब के सब मोलर दिया है मोल पर लीटर। यहां पर 0.1 m, ये 0.2 m और यहां पर 0.1 m मोलर दिया हुआ है। ये 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये भी 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और तीसरा वाला दिया हुआ 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट दिया हुआ है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बता दें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां पूछा क्या गया, द रेट ला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी सी का रेट ला निकालना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। देखिए आप एक ए और बी है, अगर यहां पर हम रेट ला इसका ये लेते हैं आर इक्वल टू, यहां पर मानते हैं के ए की पावर
यहां पर ए ले लेते हैं और बी की पावर यहां पर बी ले लेते हैं। अभी पता नहीं कि इसका ए और बी की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहां पर आर वन डिवाइड बाई आर टू इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, ए वन डिवाइड बाई ए टू इसका कंसंट्रेशन पावर ए, और यहां पर बी वन डिवाइड बाई बी टू की पावर बी। अब देखते हैं पहले जो पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये वन हो जाएगा क्योंकि यहां भी पॉइंट वन रखेंगे यहां भी पॉइंट वन रखेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, वन की पावर चाहे जितनी भी हो वन ही आता है। और देखिए यहां पर बी वन देखिए पॉइंट वन और यहाँ पॉइंट टू है और इसकी पावर बी, और आर वन और आर टू चेक करिए 1.2 10 पावर माइनस 3 यहाँ भी 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 है। इसका मतलब ये भी 1 हो गया, ये तो पूरा गया ही 1 हो गया, यहाँ 1/2 की पावर क्या हो गया b हो गया। आप इसको 10 की बताएगा 1/2 की पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0, किसी की पावर 0 होती है इसका मतलब क्या होता है वो 1 होता है। तो b इक्वल टू यानी रेट विथ अगर बताएगा ऑर्डर कहें विथ रिस्पेक्ट टू b तो क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। देखिए बहुत आसानी से अब हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट चुनते हैं जिससे हम लोग आप बताएगा बी का हम लोग बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल चुके हैं, अब ए के रिस्पेक्ट में निकाले। अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट लेंगे तो याद रखिएगा आपका वो कैंसिल हो जाएगा तो ए निकलेगा नहीं, इसलिए हम लोग फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट यहां पर ले लीजिए फर्स्ट एंड थर्ड में ले लीजिए फर्स्ट एंड थर्ड में फिर से यही फॉर्मूला रखा आर वन डिवाइड बाई आर टू यहां पर ए वन डिवाइड बाई ए टू की पावर ए और b1 डिवाइड बाय b2 की पावर b। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि एक बार विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकालें a और एक बार विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर b निकालें। अब देखिएगा फर्स्ट और थर्ड में ले रहे हैं तो a1 की जगह 0.1 और यहां पर a2 की जगह पर क्या हो गया 0.2 पावर a, और b1 b2 देखिए दोनों सेम है ये कैंसिल हो जाएगा 0.1 यहां 0.1 और ये 1 हो जाएगा। r1 देखिएगा 1.2 into 10 की पावर -3 है, R2 2.4 into 10 की पावर -3 है, यहां से ये सब कैंसिल होकर यहां 1/2 आ गया, यहां पर 1/2 की पावर a क्योंकि ये पूरा 1 हो गया। तो देखिए यहां पर देखिए पावर 1 है तो रेट विद रिस्पेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a कितना आ गया 1 आ गया। अगर आप इसका रेट ला लिखेंगे तो k और a की पावर क्या हो गया यहां 1 और b की पावर क्या हो गया यहां पर 0, तो ऑर्डर कितना आ गया 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि इसका ऑर्डर कितना 1। अब आपसे पूछा गया था द रेट ला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ c, अगर c के लिए आपको यहां पर रेट ला पूछा गया था तो फॉर्मेशन ऑफ c के लिए आप खुद आप बताइएगा यहां पर। अब जब c के केस में आप देखेंगे तो dc / dt क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए सीधा सीधा यहां पर जो है dc डिवाइड बाय dt अगर आप निकालेंगे यहां पर तो 1 है, तो 1 है तो रेट बताइएगा इसका जो ऑर्डर है 1 आ रहा है, और यहां पर क्या रख देंगे भाई k, और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है a पर डिपेंड कर रहा है तो k a की पावर क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए अब ऑप्शन चेक करते हैं, हम लोग ऑर्डर के बेसिस पर हम लोगों ने निकाल दिया है कि बताएगा कितना होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, आसानी से निकल गया रिएक्टेंट के सिर्फ ए वाले पार्ट पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन जरा चेक करिए, पहला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, बी वाला भी नहीं मैच कर रहा, सी वाला भी, डी वाला देखिए डीसी बाई डीटी क्या है के ए है, यही सही होगा। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। जब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए ये पढ़ते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन, यानी 300 से 310 केल्विन में चेंज हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कहें या रेट कांस्टेंट कहें एक तरह से क्या हो जाएगा डबल। और आपको बता दें टेम्परेचर के बदलने पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट दोनों के दोनों चेंज होते हैं, ये हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बताया है कि अगर टेम्परेचर बदलता है तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बदलते हैं। अब चाहे आपको रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज दिया हो या सिंपली रेट कांस्टेंट का दिया हो, दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगी, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ही आएगा। और देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच अ रिएक्शन विल बी निकालना है आपको, और आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इसके अलावा लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 दी हुई है। और देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग आरएनएस इक्वेशन को लिखते हैं और देखिए लॉग 10 बेस k है यहां पर k, और फार्मूला क्या होगा लॉग यहां पर a,
माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी के होगा। ये फार्मूला है, लेकिन देखिए ये फार्मूला हम लोग को लगाना है दो केसेस में, टेम्परेचर दो अलग अलग है, एक टी वन और टी टू है। तो यहाँ पर लॉग बेस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, के टू डिवाइड बाई के वन हो गया, और ये देखिए यहाँ पर निकल जाएगा ई ए, इसको साफ कर लिएगा, ये हम लोगों ने आपको पहले बताया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, किसमें याद करिएगा, जब हम लोगों ने आपको आरएनएस इक्वेशन पढ़ाई थी। अब देखिए यहाँ पर चेक करिए, आपको दिया हुआ है लॉग के टू डिवाइड बाई के वन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, के टू डिवाइड बाई के वन की वैल्यू आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ पर के टू डिवाइड बाई के वन की वैल्यू देखिए डबल हो जाता है, इसका मतलब टू दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर रख देंगे लॉग यहाँ पर टू। ई ए निकालना है 2.303, आर की वैल्यू 8.314 दिया हुआ है, टेम्परेचर पहला है 300 और दूसरा है यहाँ पर 310 केल्विन, ये रख दिया, सॉल्व करिए 0.3010 हो गया, ई ए रखा 2.303 इंटू 8.314 हो गया, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेके निकालेंगे तो 10 और डिवाइड बाय 300 और इंटू 310 ये आ गया। आप चेक करिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, पूरी तरह से कैलकुलेशन आप पर ही छोड़ देते हैं, और कैलकुलेशन जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये जो सबसे पहले आएगा 5358.6, और इसको आप लोग यहाँ पर बदल देंगे 53.6 अप्रॉक्स, यहाँ पर क्या हो गया, किलो जूल पर मोल हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। जल्दी से क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन जो है वो 53.6 किलो जूल पर मोल है, फर्स्ट ऑप्शन ही यही सही होगा, और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन आरएनएस इक्वेशन पर है, केमिकल काइनेटिक्स का। अब चलिए जब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट यहां पर पढ़ देते हैं। देखिए फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए जा रहा है प्रोडक्ट में, कैपिटल ए जा रहा है प्रोडक्ट में, द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर, 0.1 मोलर से 0.025 मोलर हो जाता है कंसंट्रेशन, और कितने मिनट में, 40 मिनट में, इन 40 मिनट्स द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर। इसी तरह का क्वेश्चन अभी आज ही के लेक्चर में हम लोगों ने लगाया है, और बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाए। अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जब कराया था वहां पर कुछ इसी तरह से क्वेश्चन था, वहां भी कहा गया था कि बताइएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 जब बताइए 0.05 हो जाता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना था ऑक्सीजन का, यहाँ पर सीधे सीधे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं, और ये 2012 में पूछा गया है आईआईटी मेंस में, ये सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनको आप लोग जरूर करिए, इससे पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए फिर हमने फॉर्मूला रखा k इक्वल टू 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिवाइड बाय t log बेस 10 a डिवाइड बाय a माइनस x यहां पर रख दिया। अब देखिएगा यहां पर 2.303 है और टाइम 40 मिनट में कितने का लॉस हो जाता है, कितना रह जाता है, पहले था पॉइंट जरा बताइए 1 और फिर बताइए कितना हो जा रहा है 0.1 से यहां पर 0.025 हो जा रहा है, यहां से ये कैंसिल करेंगे 100 आ गया, ये 4 हो गया। देखिए 2.303 डिवाइड बाय 40 और लॉग 4 को लग देंगे 2 log 2 यहां पर रख देंगे, 2.303 डिवाइड बाय यहां पर 40 और लॉग 2 की वैल्यू जानते हैं 0.3010 होगी, तो यहां पर हो जाएगा 0.602 से हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो देखिए यहां पर सिर्फ ए जा रहा है किसमें, पी में, तो रेट सिर्फ यहां रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, के यहां पर क्या होगा ए, और के तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना आ रहा है 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इनिशियल बताइए कंसंट्रेशन कितना बच जाता है उस टाइम पर, जब बताना है जब कंसंट्रेशन कितना हो जाए 0.01 मोलर, तो यहां पर 0.01 मोलर रख दीजिए, 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल
पर लीटर और पर मिनट हो जाएगा आंसर आपका। और देखिए ऑप्शन में चलिए मिलाते हैं कि आपका आंसर यहां पर आता है कि नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहां पर 1.33 × 10⁻⁵ मोलर पर मिनट, ये करेक्ट नहीं है। दूसरा है 3.47 × 10⁻⁴ मोलर पर मिनट, यही करेक्ट है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से देखिए हम लोगों ने आज भी चार क्वेश्चन लगा लिए और फोर क्वेश्चन यहां पर भी हो गए आज, और ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके नीट के लिए और आईआईटी मेंस के लिए, ये सब पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज आपको हम लोगों ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लेक्चर नंबर टू है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी हम लोगों ने फोर क्वेश्चन लगाया था, लेक्चर नंबर टू में भी फोर क्वेश्चन, कल जब हम लोग आपका लेक्चर अपलोड करेंगे तो वहां फिजिक्स के फिर क्वेश्चन कराएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बहुत पढ़िए।